Good morning, class 8, and today we are going to begin chapter number 5, The Auspicious Elephant. The Auspicious Elephant, it is based on Jataka Tales. Jataka Tales, you all know what is Jataka Tales? जैसे हर रिलीजन के बहुत सारे रिलीजियस लिटरेचर होते हैं, वैसे ही बुद्धिज्म से रिलेटेड भी कुछ लिटरेचर्स हैं। तो उन्हीं लिटरेचर्स में भी में से एक है जातका टेल्स। जातका टेल्स में बुद्धिज्म को शुरू करने वाले गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं। इंट्रोडक्शन सेज लॉर्ड बुद्धा हैड टेकन मेनी इनकार्नेशंस। इनकार्नेशंस मीन्स पुनर्जन्म। उन्होंने कई बार अवतार लिए थे या कई बार उन्होंने जन्म लिया था, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे, टू टीच मोरल लेसन्स टू द ह्यूमन बींग्स। और अपने उन सारे लाइफ से वो ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को मोरल लेसन्स सिखाना चाहते थे। This story from Jataka Tales show how bad qualities like jealousy, cunningness, hatred are always punished. अब ये स्टोरी जो हम लोग जातका टेल्स से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इसमें हमें पता चलेगा कि जो बैड क्वालिटीज होते हैं, जैसे जेलसी, जलन, ईर्ष्या, कनिंगनेस, चालाकी, हैट्रेड मीन्स नफरत, ये सारे बैड क्वालिटीज हैं। And these bad qualities are always punished. ये सारे bad qualities जिनके पास भी होते हैं वो punished होते हैं, उन्हें punishment मिलता है। While good qualities like obedience, love, respect, etc. are rewarded. जो good qualities होते हैं जैसे obedience, obedience means आज्ञाकारिता। अब ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, ऑबिडियंस मे रिलेट टू लॉ, ऑबिडियंस मे रिलेट टू लाइक सोशल हायरार्की और फैमिलियर हायरार्की। लव, मानव मात्र का एक दूसरे से जो प्यार होता है, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वालिटी। एवरी ह्यूमन बींग शुड लव अदर ह्यूमन बींग्स। Respect, every human being should respect other human beings. So paying respect to each other is also a good quality. तो जातका टेल के इस स्टोरी से हमें पता चलेगा ये जो गुड क्वालिटीज होते हैं दे आर रिवॉर्डेड एंड द बैड क्वालिटीज आर पनिश्ड। सो लेट अस बिगिन पैराग्राफ नंबर 1. Long, long ago, there ruled a king in the kingdom of Magadha. काफी लंबे समय पहले, that means in ancient time, there ruled a king in the kingdom of Magadha. Magadha एक kingdom था और वहां एक राजा हुआ करता था। He was a very cruel king. वो बहुत ही cruel king था। ऐसा किंग जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता हो, बड़े बड़े पनिशमेंट देता हो, जिसके जो अत्याचार करता हो, उसे हम लोग कहते हैं क्रूएल किंग। तो मगध में ये जो किंग था, मगध के किंगडम में, वो कैसा था? क्रूएल किंग था। नॉट ओनली दैट, ही वॉज ऑल्सो वेरी जेलस। वो सिर्फ क्रूएल नहीं था, वो काफी जेलस भी था। He didn't like to tolerate anyone who looked better than him. वो इतना जेलस था कि उससे बेहतर अगर कोई भी दूसरा होता तो उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। फिर चाहे वो कोई आदमी हो, बी इट अ मैन, वोमैन, ए चाइल्ड, ए बर्ड और एन एनिमल। फिर चाहे वो दूसरा कोई आदमी हो, कोई वोमैन हो, कोई बच्चा हो, कोई बर्ड हो या कोई एनिमल हो, अगर किसी में भी वो राजा अपने से अच्छी क्वालिटी देख लेता तो
उससे बर्दाश्त नहीं होता। उसके सामने उसके अलावा किसी भी दूसरे की तारीफ की जाए, ये बात उस किंग से बर्दाश्त नहीं होती थी। पैराग्राफ नंबर टू ऑफ दिस स्टोरी। द किंग हैड मेनी एलिफेंट्स। उस राजा के पास बहुत सारे एलिफेंट्स थे, हाथी थे। अमंग्स देम द ओनली वाइट एलिफेंट ही हैड इन हिज पोजेशन वाज हिज मोस्ट फेवरेट वन। हाथी तो उसके पास बहुत थे, लेकिन उन्हीं हाथियों में एक एलिफेंट था व्हाइट कलर का, और उस व्हाइट कलर वाले एलिफेंट, वो जो व्हाइट कलर का एलिफेंट था, वही उस किंग का फेवरेट था, पसंदीदा था। एंड व्हाट एन एलिफेंट इट वाज, और गजब का हाथी भी था वो। इट हैड ऑल द फीचर्स ऑफ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। वो था तो हाथी, लेकिन उसमें बहुत ही अच्छे इंसानों वाले सारे गुण मौजूद थे। एंड इट लुक्ड ऑलमोस्ट डिवाइन विद 6 inches वाइड हैलो अराउंड इट्स टेम्पल। आप लोग अपने बुक में देखेंगे, यह जो एलिफेंट है उसके सिर के पास आप देखेंगे, ओ जस्ट अ मिनट, हैलो मीन्स एक लाइट सर्किल। हैलो का मतलब होता है लाइट सर्किल, यानी वो हाथी ऐसा था कि उसके चेहरे के चारों तरफ से लाइट आता हुआ दिखता था। तो उसके उसमें एक अच्छे इंसान के, बहुत ही अच्छे इंसान के सारे गुण मौजूद थे, और वो बिल्कुल डिवाइन दिखता था। डिवाइन का मतलब ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, हीवेनली हो, जैसे वो इस धरती पर रहने वाला हो ही नहीं, हीवन से आगे हो। और ऐसा वो क्यों दिखता था? क्योंकि उसके गर्दन के चारों तरफ, उसके सिर के चारों तरफ एक हैलो था, दैट मीन्स लाइट सर्किल था, राउंड इट्स टेम्पल। हुएवर सॉ इट वंस कुडंट हाइड हिज सरप्राइज। जो कोई भी उस एलिफेंट को देखता वो आश्चर्य किए बगैर रह नहीं पाता था। द किंग वॉज सो प्राउड ऑफ द एलिफेंट दैट ही कॉल्ड इट द ऑस्पिशियस एलिफेंट। और वो राजा भी अपने उस एलिफेंट से इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड था कि वो उसे ऑस्पिशियस एलिफेंट कहता था, दैट मीन्स ये मेरा लक्की हाथी है। ड्यूरिंग पैराग्राफ नंबर थ्री, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स द किंग लाइक टू राइड ऑन द ऑस्पिशियस एलिफेंट। किसी भी फेस्टिवल के दौरान वो राजा हमेशा उस ऑस्पिशियस एलिफेंट की सवारी करना चाहता। He would ride the elephant and take a round of the city. वो उस हाथी, किसी भी फेस्टिवल में वो उस हाथी पे बैठ जाता, सवार हो जाता और पूरे शहर का एक राउंड लेता। On one such occasion, the Mahat decorated the elephant with colorful patterns on his body. फिर ऐसा ही एक फेस्टिवल आया और उस फेस्टिवल पे, चूंकि किंग को राउंड पे निकलना था, इसलिए महावत ने उस एलिफेंट को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया। और उसे डेकोरेट करने के लिए, एलिफेंट को सजाने के लिए, उसने व्हाइट एलिफेंट के पूरे बॉडी पे कलरफुल पैटर्न बना दिए। द किंग माउंटेड ऑन इट। राजा उस हाथी पे बैठा एंड सेट आउट फॉर हिज यूजुअल राउंड। और जैसे हमेशा फेस्टिवल में घूमने निकलता था, वैसे ही वो अपने राउंड पे निकला। थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टूड ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट टू ग्रीट द किंग। हजारों लोग सड़कों के दोनों किनारों पे खड़े थे राजा का ग्रीट करने के लिए, यानी राजा का अभिवादन करने के लिए। बट व्हेन दे सॉ द ह्यूज एलिफेंट सो ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, दे बिगन टू प्रेज इट एंड इग्नोर द किंग। लेकिन जब उन लोगों ने उस हाथी को देखा जो इतने खूबसूरती से सजाया गया था, तो वे सारे लोग राजा को इग्नोर करने लगे और राजा को ना देख करके और हाथी की तारीफ करने लग गए। सम पीपल वर सो इम्प्रेस्ड विद द हैलो ऑफ द एलिफेंट दैट इंस्टेड ऑफ गारलैंडिंग द किंग दे बिगन टू थ्रो देयर गारलैंड्स ऑन द एलिफेंट। और कुछ लोगों ने तो उस एलिफेंट के टेम्पल के अराउंड
उसके गले के चारों तरफ या उसके सिर के चारों तरफ वो जो हैलो देखा, लाइट सर्किल देखा, तो वे लोग तो इतने इंप्रेस हो गए कि जो फूलों की माला वो राजा के लिए लेके आए थे वे सब लोग हाथी के ऊपर फेंकने लगे। एंड वाइल अदर्स वर सो चार्म्ड विद इट्स ब्यूटी दैट दे बिगैन टू प्रेज इट अलाउड, और कुछ दूसरे लोग तो उस हाथी के खूबसूरती से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए कि वे लोग जोर जोर से नारे लगा करके और उस हाथी की तारीफ करने लगे। इट मेड द किंग एंग्री, और उनके इन सारी हरकतों से राजा बेहद नाखुश हो रहा था। वाई द किंग वॉज गेटिंग एंग्री? यस, इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी आई एक्सप्लेन द रीजन। शुरुआत में ही मैंने कहा था कि वो राजा इतना जेलस था, वो किंग इतना जेलस था कि उसके सामने उसके अलावा किसी भी और की तारीफ हो तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। और यहां उस राउंड जब राजा अपने राउंड पे निकला था तो क्या हो रहा था, लोग राजा की तारीफ नहीं कर रहे थे बल्कि सब लोग एलिफेंट की तारीफ कर रहे थे। सो द जेलस किंग वॉज गेटिंग एंग्री। द किंग वॉज मच एनॉयड एज द अट्रैक्शन ऑफ द पीपल वॉज ऑलवेज ड्रॉन टुवर्ड्स द एलिफेंट। राजा बेहद नाराज था क्योंकि लोगों के आकर्षण का केंद्र सिर्फ वो एलिफेंट बन रहा था। ही कुड नॉट बियर द फैक्ट दैट द पीपल वर पेइंग सो मच अटेंशन टू द एलिफेंट, और उसे ये हकीकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि लोग हाथी की इतनी तारीफ कर रहे थे। ही बिकेम सो इरिटेटेड दैट ही डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ इट, और राजा इतना अब तक नाराज हो चुका था कि उसने डिसीजन लिया, उसने डिसाइड किया कि अब चाहे जैसे भी हो इस हाथी से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो लोग उसकी तारीफ करने की जगह इस हाथी की ही तारीफ करते रहेंगे। हाउएवर द एलिफेंट हैड ऑलरेडी बिकम सो पॉपुलर दैट ही कुड नॉट ऑर्डर इट्स किलिंग डायरेक्टली। हालांकि अब तक वो एलिफेंट उस किंगडम में इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि राजा उसे सीधे सीधे मारने का ऑर्डर नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया होता तो किंगडम के लोग बगावत कर देते। ही ऑर्डर्ड हिज महावत टू रिटर्न बैक टू द पैलेस। राउंड बिना कंप्लीट किए उसने अपने महावत को ऑर्डर दिया कि अब मुझे जल्दी से वापस पैलेस लेके चलो। ऑन हिज वे बैक द किंग थॉट ऑफ द विकेट प्लान दैट वुड मेक द एलिफेंट्स डेथ सीम एज एन एक्सीडेंट। तब उस किंग ने एक बहुत ही दुष्ट योजना बनाई। विकेट प्लान मीन्स बहुत ही दुष्ट योजना। उसने प्लान ये बनाया कि वो उस एलिफेंट को इस तरह से मारेगा कि लोगों को लगे कि वो उस एलिफेंट का एक्सीडेंट हुआ है। ही डिसाइडेड टू टेक द एलिफेंट टू द माउंटेन वेपुला। मगध के किंगडम के पास एक माउंटेन था वेपुला, और उस किंग ने डिसाइड किया कि वो उस एलिफेंट को माउंटेन वेपुला पे ले जाएगा, देन मेक इट फॉल इन द माइटी वाटरफॉल, और वहां कुछ ऐसा करेगा जिसमें कि वो एलिफेंट अपने आप नीचे बहने वाले वाटरफॉल में गिर पड़े। सुन द एलिफेंट रिच द पैलेस। जल्दी ही अपने राउंड को इनकम्प्लीट छोड़ करके वो एलिफेंट पैलेस पहुंच गया। द किंग गॉट डाउन फ्रॉम द एलिफेंट एंड वेंट इनसाइड। राजमहल पहुंचने के बाद राजा जल्दी से उस एलिफेंट से नीचे उतरा और अपने राजमहल में चला गया। देन ही सेंट वन ऑफ हिज सर्वेंट टू कॉल द महावत, और उसके बाद उसने एक सर्वेंट को भेजा महावत को बुलाने के लिए। शुन द महावत केम एंड बोर्ड बिफोर हिम। जल्दी ही महावत आ गया और आने के बाद उसने राजा के पास झुक करके और राजा का अभिवादन किया। राजा ने पूछा, So, you have been looking after the white elephant, haven't you? The king asked. राजा ने कहा, अच्छा तो तुम ही हो ना जो उस व्हाइट एलिफेंट की देखभाल कर रहे हो? Yes, your majesty, the महावत replied respectfully. उस महावत ने बड़े रेस्पेक्ट के साथ कहा, हाँ महाराज, हाँ। Have you taught it any trick? The king asked again. राजा ने उससे पूछा, क्या इसे तुमने कोई बहुत ही अच्छा सा ट्रिक सिखाया है? Oh yes, I have taught him all the tricks,
महावत ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने इस हाथी को सारे ट्रिक्स सिखा दिए। वेल, कैन दिस एलिफेंट क्लाइंब अप द माउंटेन वेपला एंड रिच इट्स पिक? किंग ने पूछा महावत से कि अच्छा, क्या तुमने इस वाले एलिफेंट को माउंटेन वेपुला पे चढ़ना सिखाया है? बिल्कुल, उसके टॉप तक जाना है। पिक मींस पहाड़ की चोटी। यस योर मैजेस्टी, द महावत वाज एज पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल एज बिफोर। महावत ने उतने ही विनम्रता से फिर से जवाब दिया। देन टेक हिम देयर, आई वॉन्ट टू सी हाउ विथ हिज हैवी बॉडी इट मैनेज टू क्लाइंब द स्टीप माउंटेन। राजा ने कहा, ठीक है, तो तुम इसे वेपुला माउंटेन पे लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूं कि अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद यह एलिफेंट पहाड़ पे कैसे चढ़ सकता है। द महावत सैट ऑन द एलिफेंट एंड लेड इट टुवर्ड्स द माउंटेन। महावत उस एलिफेंट के ऊपर बैठा और उसे माउंटेन की तरफ लेके चला। द किंग फॉलोड हिम विथ हिज रेटिन्यू और राजा उसके पीछे पीछे अपने दूसरे दरबारियों के साथ चल पड़ा। इन नो टाइम द ऑस्पिशियस एलिफेंट वॉज ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन और देखते देखते वो ऑस्पिशियस एलिफेंट उस माउंटेन के टॉप पे पहुंच भी चुका था। द किंग वॉज राइडिंग ऑन द फास्टेस्ट हॉर्स ही हैड। और राजा उसके पास जो उसका सबसे तेज चलने वाला घोड़ा था उस पर बैठा हुआ था, बट ही कुड नॉट कीप पेस विथ इट। लेकिन वो तेज चलने वाला घोड़ा भी हाथी के बराबर चाल से नहीं चल सकता था। वंस दे रिच द टॉप द महावत टर्न टू द किंग एंड हैपली सेड, हियर वी आर। जब ये लोग बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए तो महावत ने पीछे घूमकर राजा को बताया, राजा की ओर देखा और खुशी से कहा, हेयर वी आर, देखिए हम लोग यहां पहुंच चुके हैं। वेरी वेल, द किंग वॉज इरिटेटेड। राजा को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, बहुत अच्छा, स्टे ओवर देयर, ठीक है तुम अपने एलिफेंट के साथ वहीं रुको। हैव यू टाउट हिम टू स्टैंड ऑन थ्री लेग्स? क्या तुमने इस एलिफेंट को तीन पैरों पे खड़े रहना सिखलाया है? सो स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द स्टोरी आई विल गिव यू इन द सेकेंड पार्ट टूडे। इट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। इट इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी एंड इट विल बी ब्रोकन इन टू पार्ट्स। थैंक यू।